एक तो ये आ गया वायरिंग इसकी अंदर की, ठीक है। ये अपना आरओ फिल्टर खोलने के लिए आ गया है, ये टीडीएस चेक करने के लिए। ये ऑन है भी, इसको बंद कर देते। पानी खत्म हो गया था गर्म बिल्कुल ही, अभी एसी लगा दिया है, कल इसमें टेपिंग लगा के फिर सही करना है इसे। कोई स्कूटी घोरन टूट गया, ये वहाँ पार्किंग पार्किंग खड़ी थी, कोई इसको निकाल के चला गया। बताओ किसी को आपके काम धाम नहीं बचा। वेलकम बैक टू माय द ब्लॉग। और अभी मैं जा रहा हूँ बाजार में तिरंगा लेने के लिए, कि हमारे घर पर जो तिरंगा रखा हुआ था वो मम्मी ने कहाँ गायब कर दिया। मम्मी से बोला था 3 साल संभाल के रख देना, मम्मी ने संभाल रखा, वो मिल नहीं रहा है। मैं उसको 2-3 दिन से ढूंढ रहा हूँ घर पे, और मिली ना तो बाजार जा रहा हूँ लेने के लिए। फिर झंडा पहराएंगे, ये आ गया हमारा झंडा, अब इसको पहराएंगे। ये पराधी झंडा, चलते नीचे। अब ऋतु समझ लेते हैं, उसके पास फोन नहीं है तो उसे टाइम पास करेंगे बड़े वाला। उसको जोर आ रहा है, फोन नहीं है तो उसके पास दे दे। कहा क्या यहाँ सो तो मेरे पास तो कद कद तक तू आई, तो मैं खेल रहा हूँ, सवा दिया आगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो तेरी तरह नहीं सिस्टम नहीं होना चाहिए, तो उतने बच के रहनी चाहिए। यहाँ की नींद खराब नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। और फोन वोन की याद आ रही का चक्कर, अरे सिट याद आ गई फोन की। कैसा साहब, मैं तो बढ़िया सोपा मन से देख गया आराम से। अब ऋतु चल जाएगी जिसको जगा देंगे, फिर ये करेगा बदमाशी। अभी जगह लग गया धीरे धीरे, अरे बेटा जगह लग गई है ना। किसको की फिल्टर ऑर्डर कर रखे थे कुछ दिनों पहले फ्लिपकार्ट से, तो उसका डिलीवरी अब आ गई है। तो मैंने वो बॉक्स ओपन कर दिया, मैं दिखाता हूँ आपको उसके अंदर क्या क्या है। और मैंने बस 1278 रुपये दिए हैं उसके लिए, और पूरा फिल्टर का पूरा सामान आ गया अंदर का, जो कुछ भी चाहिए था मुझे उससे एक्स्ट्रा आ गया। मतलब पहले मुझे चाहिए थे 4 फिल्टर ही चाहिए थे मेन तो, पर इसमें सब कुछ आ गया। मतलब वो बॉक्स रह गया खाली का, बाकी इसमें सब चीज़ आइटम है। एक तो ये आ गया वायरिंग इसकी अंदर की, ठीक है। ये अपना आरओ फिल्टर खोलने के लिए आ गया है, ये टीडीएस चेक करने के लिए। ये ऑन है भी, इसको बंद कर देते हैं हम। ये हो गया ऑफ, ठीक है। ये अपने अंदर का फिल्टर है मेन, ये अपने बाहर का फिल्टर है, और ये फिल्टर है अंदर का, ये छोटा वाला फिल्टर है अंदर लग जाएगा, इसको यहाँ रख देते हैं। एक ये फिल्टर आया है, और ये अंदर की किट वगैरह है उसकी, ये पानी फ्लो करने के लिए ये टेप है, और ये अंदर की किट है इसकी सारी सारी, जिसमें भी बाहर निकली हुई है। ऐसा लग रहा है टूटी हुई है क्या, नहीं नहीं आधी पर दी आई है मतलब। और ये अंदर की मोटर है, वैसे अगर मार्केट से मोटर खरीदे ना तो 1500, पिछली बार मैंने जो लगवाई थी वो 1600 रुपये ले गया था उस मोटर की, मोटर के बस। ये अंदर जो फारो आर ओ की मोटर आती है, इसको पानी रोटेट करवाती है वो मोटर है। और ये अभी 1300 रुपये में साबुन के साथ आई है, पहले इसी के 1500-1700 रुपये कुछ ऐसे रुपये लग गया था हमसे। और अभी एक सामान और, एक नहीं दो है, एक फिल्टर ये ना, और एक फिल्टर ये है। तो अब हो गया है बॉक्स खाली, अब इसमें एक कागज़ बचा है बस मात्र टीडीएस का। तो इतना कुछ सामान आया है 1300 रुपये में, और वैसे मार्केट से अगर मैं करवाने जाता ना तो यही सामान को 4-5 हज़ार रुपये ले जाता वो लगाने वाला ही। आर ओ में इंस्टॉल करना है, क्योंकि उसका पानी थोड़ा सा ऐसा हो गया बिल्कुल गंदा, कुछ दिन पहले मैंने साफ़ करा था वो, पर थोड़ी मिट्टी अभी भी आ रही है उसमें, तो इसको साफ कर देंगे। उसका टीडीएस इस टाइम है 336-337 कुछ, तो इनको लगाने के बाद फिर चेक करेंगे कि इसका टीडीएस कितना होता आर ओ का। ये फिल्टर है हमारे पीछे, ये उतारना है पहले और ये साफ़ सफाई करनी है पहले इसकी। और ये फिल्टर की बात करता हूँ, ये कम से कम पुराना होगा 12-13 साल पुराना, क्योंकि बहुत तेल लिया था मेरे का, पानी की एलर्जी हुई थी तभी फिल्टर आया था। तो तब शायद 5th या 6th क्लास में पढ़ता था, तो ये बात होगी 2004-5 की, कुछ भी साल हो गई, 16-17 साल से ऊपर हो गए फिल्टर, 16-17 साल चल रहा। बीच में 4-5 साल के रख दिया था कार के, नहीं फिल्टर को गिंदल के पानी आने लग गए थे बीच में, और फिर आर ओ लगवा लिया था वैसे प्लाली का पानी, तब उतार दिया था, उसका दोबारा लगवा दिया और तब से चल ही रहा है। तो इसको कम से कम मैं देखूँ मेरे हिसाब से तो इसको 17-18 साल हो गए फिल्टर का, कितना गंदा हो रहा फिल्टर। और ऐसे इसमें से बहुत सारे फिल्टर निकलेंगे, पहले पानी खिला रहा है इसमें से,
यहाँ पर कूकर लगा दिया मैंने, जुगाड़ कर दिया जुगाड़। तो इस फिल्टर की जगह हम इस फिल्टर लगाएंगे नया बिल्कुल। और ये क्या है इसमें, अरे ये लग रहा है, पहले पानी को निकालते हैं, इसमें से पानी रहेगा तो ये स्टेबल नहीं हो पाएगा। और ये क्या बीचों बीच में दूसरा हमने ये फिल्टर निकाल दिया यहाँ से, और ये ओपन हो जाता है, यहाँ से खोल के दिखाता हूँ आपको, ये ऐसा फिल्टर है कुछ। और ये इस जगह से निकाला हमने और ये खोल दिया, ये कुछ ऐसा है इसमें, ये रेड कलर का और ये वायर सा रहता है कुछ, इसको यहाँ पर लग लगेंगे और एक ये ऊपर लगेगा, ये ऊपर वाला यहाँ से लगेगा। तो ये पहले वायरिंग चेंज करनी होगी, तो कैसी हो रही बहुत गंदी यार, चल तो गया और उसमें आवाज़ भी कम होगी, पहले की वजह पानी नहीं आ रहा है, पर अभी पता लगेगा थोड़ी देर में पानी आ जाएगा, क्योंकि पहले वो सारा भरेंगे ना इसमें फिल्टर्स, उसके बाद पानी आना चालू होगा। और ये देखो कितना कचरा हो गया यहाँ पे, इसको हटाना पड़ेगा। दो तीन फिल्टर निकले, एक ये निकला, तीसरा ये रहा, और एक मैंने बाहर फेंक दिया पहले की, चार फिल्टर निकले हैं इसमें से अभी तक। और बाकी का सामान ये बच गया, एक ही फिल्टर बच गया, ये काम नहीं आया इसमें, क्योंकि इसका वो था नहीं इसमें यूवी का, दूसरा यूज कर लिया इसमें। हो गया बिल्कुल, और इसका TDS चेक करना है, मतलब पानी आ गया इसमें, तो ये मतलब काम तो कर रहा है। तो पहले इसका TDS था 350 समथिंग, 344 था शायद, और अब इसका TDS चेक करते हैं ऊपर को कितना दिखाई देता है। अब इसका TDS है 125, मतलब TDS सही आ रहा है इसका, पहले 344 था, बहुत ज़्यादा था 344 तो, पर ये पानी टपक रहा थोड़ा सा, इसको कल सही करूँगा क्योंकि इसमें टेपिंग होगी इसकी रंग से, तो अभी टाइम नहीं है, तो पानी ख़त्म हो गया था गर्म बिल्कुल ही, तो ए सी लगा दिया है, कल इसमें टेपिंग लगा के फिर सही करना है इसे। सूर्यास्त का टाइम हो गया था, तो हमने झंडे को उतार के रख दिया, अब नेक्स्ट ईयर काम आ जाएगा इसको, मैं ढंग से रख दूंगा संभाल के, नहीं बस मिल तो पिछले वाला भी जाएगा, पर पता नहीं जाने कहाँ रख दिया मैंने, पर इसको मल भी ना रख दूँ ढंग से। बाहर हो रहा था मौसम बढ़िया, तो मैं थोड़ी देर घुमाते कहीं बाहर पे, तो मार्केट चल रहे हैं कुछ, मैं सोच रहा था पेटी चुखाऊँगा, पर मैंने अब देखा बाहर मौसम बारिश हो रही हल्की हल्की, तो मैंने कहा पहले कहीं घूम लेते, तो पास में यहाँ पे खेत आ जाएंगे थोड़ी देर आगे, वहाँ जाके बैठेंगे आराम से मज़े से, तो कितने अच्छे बादल हो रहे हैं, ज़रा धूप निकलेगी थोड़ी देर में। 7 बजे और एक खुशखबरी मेरे पास, आज जाके मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, 7 बजे मेरे पास मेल आया था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, मैं बताऊंगा मेरे साथ क्या क्या दिक्कत आई पूरे 6 महीने में चैनल की, पर वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा ब्लॉग बड़ा ब्लॉग हो जाएगा फिर इसमें बताऊंगा तो, पर मेरा ये है कि चैनल मोनेटाइज हो गया आज इंडिपेंडेंट डे वाले दिन 15 अगस्त को, मैं खुद आज़ाद हो गया खुद से ही, इतने दिनों से मेहनत कर रहा था उस पर, मैं सोचा था कि 2-4 दिन का टाइम और लगेगा भी शायद, पर अभी मेरे पास मेल आ गया कन्फर्म कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, और मैं जा रहा हूँ रामकिशोरगढ़, वहाँ जाके नहीं मेरे को चैनल पे जो पैसे वैसे आते हैं ना वो मोनेटाइजेशन उसका ऑन करना है वीडियोस का सबका, तो वो लैपटॉप से ही होगा, तो मैं चलता हूँ इसके घर एक बार, वो काम करके आते हैं इसको। कोई स्कूटी घोरन टूट गया, ये वहाँ पार्किंग पार्किंग खड़ी थी, कोई इसको निकाल के चला गया, बताओ किसी को कोई काम धाम नहीं बचा इस पर, और ये तोड़ के गया कोई ढंग से ही, ये ना तो अंदर जा रही ना बाहर, ना ये बज रहा है हो रहा ना। पापा को पता नहीं जान कौन उड़ा गया, और जरा लैपटॉप इस पर काम करना है, तो चैनल मोनेटाइज हुआ है उसमें सारी वीडियोस को दोबारा से एडिट करना पड़ेगा थोड़ा सा। हमारे लाला आराम से हो रहे हैं यहाँ पे आराम से, वो जगह है तो एक आँख खोलता है बंद कर देता है, खोलता है बंद कर देता है। टाइम हो गया 10:15 बज गए और मेरा खाना खा रहा हूँ, लेट हो गया खाना खाने को, चैनल पर लग रहा था बहुत देर से चैनल को देखने, इस पर जो कुछ काम करना था वो काम कर रहा था मैं बहुत देर से, और अब खाना खाऊँगा। ये जो मेरे चैनल मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आ गया, ये ऑन हो गया यहाँ पे, ये डॉलर के साइन आ रहे हैं ना, इनको ऑन करने लगा था तब से मैं, और मैंने सारी वीडियो भी चैनल के मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया। मैं खाना खा लेता हूँ, आज मैंने हमारे घर में रायता बनाया एक, तो और एक दाल बनी है और ये रोटी, तो ठंडी हो गई रोटी, पर कोई दिक्कत नहीं है, काम हो गया पर अपना बहुत बड़ा, तो खाना खा लेते हैं और